नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। आज भेसोरा मंडी में राष्ट्रीय संत असंग महाराज दो दिवसीय झालावाड़ सत्संग के दौरान भेसोरा मंडी में संत के घर पर परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया और आसपास क्षेत्र के मोहल्ले वासियों ने गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए उनके मुख्य बिंदु से प्रवचन सुने। और इस अवसर पर खबर 24 न्यूज की खास बात, और भवानी मंडी दोनों शहर जुड़े हुए हैं और इन दोनों शहरों से 20 साल पुराना हमारा प्रेम रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता है। सत्संगी लोग रहते हैं, जैसे कमल हटवाल जी हैं, दिनेश जी हैं, अनुराग मोदी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, डायमंड मैरिज हॉल वाले हैं, डॉक्टर विष्णु हैं, तो सभी के प्रति प्रेम स्नेह है। और बीच में कोरोना आ गया था, इसलिए हम 2 साल नहीं आ पाए। कोरोना चला गया है, फिर कार्यक्रम चालू हो गए हैं। तो बालाराम जी की श्रद्धा थी, उनका मन था मेरे यहाँ आए, तो यहाँ मेरा आना हुआ। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, कमल हटवाल साहब को भी आशीर्वाद देता हूँ, मकवाना साहब पत्रकार को और विशाल पत्रकार जी को भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि लोगों के मन में बहुत कलह कलेश रहता है, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, दुख, चिंता, असमंजस, आलस्य, ये सारे दुर्गुण भरे रहते हैं। तो सत्संग के माध्यम से आपसी तकरार, दरार, दीवार वो भी ख़त्म हो, लोगों का परस्पर प्रेम बढ़े, नशा व्यसन से लोग छुटकारा पाएँ, अपनी एनर्जी को रचनात्मक कार्यों में खर्च करें। विध्वंसात्मक कार्यों में आदमी एनर्जी खर्च करता है, सृजन कुछ करें, विसर्जन तो अपने आप हो ही जाता है, लेकिन सृजन करने का कार्य करें, भक्ति भी करें और सत्संग से बुराइयां छोड़ें, प्रभावित होकर के थोड़ा ध्यान शांति से रहें, चिंता टेंशन कम हो जाए, क्योंकि हाय दाय चाहे जितना आदमी करे पर एक दिन मर जाता है, तो घर द्वार, बेटा बेटी, पत्नी पतना सब यहीं रह जाता है। और फालतू टेंशन लेकर के ज़िंदगी भर तमाम बीमारी बुला लेता है आदमी, और नींद नहीं लेता है और खाम खां उलझा रहता है। तो इसलिए हम उसको यही समझाते हैं कि भाई आप कर्म तो करो, लेकिन थोड़ा अपने पूर्व जन्म के पुण्य का भी भरोसा करो, प्रारब्ध का भरोसा करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। भवानीमंडी शहर में चोरों का हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है। लगातार 15 दिनों से बाइक चोरी का सिलसिला जारी। वहीं सोमवार को बीती रात मगन भाई मार्केट में मेरठवाल धर्मशाला के पास से 25 मिनट में घर के बाहर से खड़ी बाइक अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। वहीं बाइक मालिक ने घर के बाहर आकर देखा तो बाइक गायब पाई और मौके पर पुलिस को सूचना दी, थाने में केस दर्ज करवाया। वहीं पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर की अनुपालना में राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानीमंडी में निर्वाचन संबंधी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर संजना सेन, द्वितीय स्थान पर चांदनी शर्मा, तृतीय स्थान पर कुशाल सिंह रहे। रायपुर कस्बे में बरडी के बालाजी मंदिर पर चल रही अखंड रामायण पाठ के 13 वर्ष पूरे होने पर श्री मानस मंडल के तत्वाधान में आज मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसे लेकर कस्बे को केसरिया पताकाओं से सजाया गया। आज प्रातःकाल बरडी के बालाजी मंदिर पर हवन यज्ञ के बाद बैंड बाजे ढोल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री भस्म रमैया भक्त मंडल, उज्जैन शाखा झालरा पाटन के सदस्यों, डमरू, झनकार, ढोल आदि वाद्य यंत्रों से आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। शोभा यात्रा के दौरान कस्बे के मुख्य बाजार में व्यापार महासंघ बस स्टैंड पर हरीश शर्मा मित्र मंडल, हार्ड व चौक में जय माता मित्र मंडल के द्वारा श्रद्धालुओं को अल्पाहार कराए गए। वहीं मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा में बैंड बजे ढोल पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः बैडी के बालाजी मंदिर पहुंची, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। अब लेते हैं अल्प विराम, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको।
नाना साहिब ने महल बनाई बन जा रा रे बन जा रा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ मत जाओ एक नीर बन जा रा रे बन जा रा रे ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। दिखाते हैं खबरें मंदसौर जिले की। मध्य प्रदेश के आदर्श कृषि उपज मंडी कही जाने वाली मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों पीले सोने की भरपूर आवक हो रही है, लेकिन किसानों को अपनी सोयाबीन की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाने के कारण उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही है। किसानों का कहना है कि हमने 10,000 रुपये क्विंटल की सोयाबीन लेकर खेतों में बोई थी, आज हमें हमारी उपज के दाम आधे ही मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें लागत मूल्य भी वापस नहीं मिल पा रही, अब ऐसा लगता है कि खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में गोपाल पिता देवीदास जोशी निवासी माल्या खेड़ी अपना उपचार करा रहे थे, जिनके आज मृत्यु हो जाने से उनका अंतिम संस्कार समाज सेवी पार्षद सुनील बंसल द्वारा मंदसौर मुक्ति धाम पर किया गया। सुनील बंसल ने बताया कि सिर्फ ब्रैगी ग्राम मालीखेड़ा में एक मंदिर के अंदर पूजा किया करते थे, वे कई बार बीमारी के चलते मंदसौर जिला चिकित्सालय में उपचार रहे थे। उनका उपचार सही से नहीं होने के कारण उन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत दर्ज करवाई थी। बंसल ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि जिला अस्पताल में लावारिस अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई तब जाके पता चला कि श्री जोशी माल्या खेड़ी के एक मंदिर में पूजा किया करते थे। उनके पारिवारिक कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई। मनासा के द्वारकीपुरी धर्मशाला के सामने पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला लगाने वाले देवेंद्र चौधरी के सुपुत्र रविकांत चौधरी उम्र 21 वर्ष का आज शनिवार को भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में चयन हुआ है। चयन होने पर नगर के वरिष्ठ जनों ने एकत्रित होकर देर शाम 6 बजे करीब पटाखे फोड़ कर माला पहनाकर रविकांत को मिठाई खिलाई। शेखर सारडा ने कहा कि यह मनासा ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। एक मजदूर वर्ग परिवार से होकर अपने पिता के काम के बराबरी में सहयोग कर रविकांत ने उपलब्धि हासिल की, वहीं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। पढ़ाई के साथ साथ रविकांत ने पिताजी के साथ ठेले पर पानीपुरी बेची, पर आज रविकांत ने मीडिया से चर्चा में कहा, मुझे इस मकान पर पहुँचाने पर मेरे पिताजी और भाई का पूरा सहयोग रहा। 30 साल पहले आकर मनासा में किराए के घर के रहकर हमें बड़ा किया और आज इस काबिल बनाया कि रविकांत चौधरी 7 जनवरी 2023 को एयरफोर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए मनासा से हैदराबाद रवाना होंगे। टाइम दिया मुझे पढ़ाई के लिए, घर की परिस्थितियां जैसी भी रही टाइम पढ़ाई के लिए पूरा मिला हमको, जो भी सुविधाएं लगती है पढ़ाई में सब कुछ मिला और यही चाहेंगे अपन कि सब कुछ सुविधाएं मिली रहे हमको। मम्मी पापा क्या काम करते थे पहले जो आपकी पढ़ाई कर रहे थे आप उस समय? मम्मी पापा आपने भी कुछ काम किया होगा, क्या काम कर रहे थे आप? मेरे पापा की पताशे की शॉप है, पानी पताशे पानीपुरी की। तो ये काफी पुराना बिजनेस था हमारा और इसमें बीच बीच में हम भी थोड़ा योगदान देते थे जितना हमसे बन पाता था पढ़ाई के साथ साथ। फ्री टाइम में हम शॉप भी संभालते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। परीक्षा इसकी दो होती हैं, एक रिटर्न एग्जामिनेशन होती है और एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन मेरा इंदौर में हुआ था और एसएसबी मैंने गांधीनगर में दिया था। एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो गांधीनगर दिया था। अब ट्रेनिंग जो है मेरी हैदराबाद में होगी डुंडीगढ़। विगत दिनों मंदसौर जिला चिकित्सालय में एक महिला नन्नूबाई अहिरवाल ग्राम हरवा के चिकित्सालय स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि नन्नूबाई तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। वह घबरा रही थी लेकिन स्टाफ नर्स द्वारा उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। साथ ही नन्नूबाई के पति को सीपा द्वारा वार्ड के अंदर नहीं जाने दिया गया, इस कारण नन्नूबाई की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आज मंगलवार को सुशासन भवन में जन सुनवाई के दौरान अहिरवाल समाज के लोग एकत्र होकर पहुंचे और जिला चिकित्सालय में चिकित्सा स्टाफ की लापरवाही बरते जाने को लेकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।